करती हूँ। आज मैं कैथे का अचार बनाऊंगी। ये अचार आप सालों साल रख के खा सकते हैं। फिर चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। ये हम 3 कैथा लिए हैं, इसको सबसे पहले हम तोड़ लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से तोड़ा गया है। ये देखिए हम पूरा कैथा हम तोड़ के रख लिए। ये देखिए खपड़ी अलग हो गई है और इसमें का गुज्जा अलग हो गया है। ऐसे ही पूरा हम निकाल लेंगे। ये देखिए पूरा हम निकाल लिए हैं। अब इसको छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे हम। ऐसे ही पूरा हम काट के रख लेंगे। ये देखिए सब हम छोटा छोटा काट लिए हैं। अब इसको हम धूप में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए कैथा हमारा सूख गया है अच्छे से 2-3 घंटा तक। ये देखिए खूब अच्छे से सूख गया है। इसमें का पानी खूब सूख जाना चाहिए। ये हम मसाले में क्या क्या लिए हैं, सौंफ लिए हैं, जीरा लिए हैं, करायल लिए हैं, मेथी दाना लिए हैं और ये राई लिए हैं और लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और ये धनिया हम पीस के लिए हुए हैं। हमारी पास पीसा हुआ था तो हम ले लिए हैं। हल्दी पाउडर लिए हैं, काला नमक लिए हैं, सादा नमक लिए, तेल लिए हैं। अब चलिए फिर झटपट बना लेते हैं। ये देखिए गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें ये 1 चम्मच जीरा है हमारा, इसको डाल देंगे और 1 चम्मच सौंफ है इसको भी डाल देंगे। हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है हल्का। और ये मेथी दाना भी इसी में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा पहले भून लेंगे। ये देखिए इसमें हम राई भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। ये देखिए चटकने की आवाज़ आने लगी है। ये देखिए कितना अच्छे से भून गया है। अब हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। ये देखिए कढ़ाई अभी हमारी गर्म है। हम सरसों का तेल इसी में डाल देंगे, 2-3 चम्मच तक है। ये गर्म है और हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। 1 चम्मच ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हम हल्का दरदरा पीस लिए हैं, हमको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। ये देखिए अब कढ़ाई में तेल है। अब हम इसी में ये कैथा डाल देंगे और ये मसाला भी इसी में डाल देंगे। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच सादा नमक। और ये करायल को हमको पीसना नहीं था, इसको ऐसे ही डाला जाता है, ऐसे ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये लाल मिर्च पाउडर भी इसी में डाल देंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे इसी में हम। ये कैथा आप सालों साल अच्छे से रख के खा सकते हैं। ये अचार कैथे का खराब नहीं होता है। ये देखिए अचार बनके तैयार हो गया है। अब ये कैथे का अचार आप लोग भी बनाइए और घर में सबको जरूर टेस्ट कराइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।